नमस्कार, आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 412 की बात करते हैं। पाठ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो आपका ज्ञान भी बढ़ता जा रहा होगा। अगर ज्ञान बढ़ता है और यदि आप कुछ सीखते हैं तो आप कमेंट लिख दिया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट आते हैं और उसकी वजह से समय निकाल करके हमको आप लोगों के लिए वीडियो डालना होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि पाठ समझ में आता है तो शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, दूसरों को भी जानकारी जाने दीजिए। हमारी वेद की गरिमा बहुत कम हो गई है, फिर से इसको पुनर्स्थापित करने दीजिए। चलिए, अब चंद्रमा का दो पाठ हम लोगों ने पढ़ लिया धनु लग्न में, 410 और 411 में। 410 में 1 से 4 तक का वर्णन था, 411 में 5 से 8 तक का वर्णन है और यहाँ अब 9 से 12 तक का वर्णन हम करते हैं। चंद्रमा भाग्य स्थान में है तो हम ये नहीं कहेंगे कि अष्टमेश भाग्य स्थान में है तो अब ये भाग्य खराब हो गया। जरूर अष्टमेश है, लेकिन इसको आठवें का नास स्थान के स्वामी होने का दोष नहीं लगता। अब कौन है आठवें स्थान में? नैसर्गिक रूप से शुभाशुभ, अब वो आप चेक कर लेंगे, जिनको जानकारी है पता है। काल पुरुष में चतुर्थेश नवम में है और वर्तमान पत्रिका में आठवें का स्वामी नवम में है। लग्न से नवा है और अपने भाव से दूसरा है, यहाँ भी 6, 8, 12 नहीं आया। हाँ, लेकिन जहाँ के स्वामी है चतुर्थ के काल पुरुष में, वहाँ से ये छठे जरूर है। तो ऐसे जातक यदि विरक्त होते हैं तो धर्म के क्षेत्र में जाकर के लग जाते हैं। विरक्त होना अर्थात यदि हमको किसी भी प्रकार से घर द्वार से विरक्ति मिलती है तो बहुत लोग शराब खाने में चले जाते हैं, बहुत लोग अपने मित्रों के संग बैठते हैं और बहुत लोग धार्मिक कार्यों में लग जाते हैं या धर्मशास्त्र पढ़ने लगते हैं। तो ऐसे जातक को धर्मशास्त्र पढ़ेंगे पांडित्य होगा, पांडित्य मतलब धर्म का ज्ञान होना, और स्वयं भी, और सिर्फ ये नहीं कि धर्म के लिए हम आडंबर करेंगे, नहीं, हकीकत में धार्मिक प्रवृत्ति होगी और अपने पिता के प्रिय होंगे और पिता को हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये नवम में चंद्रमा है तो यहां से पिता की बात होती है और सूर्य इस पत्रिका में वहीं का स्वामी भी है। तो ऐसे में पिता को भरसक प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे। और दूसरा, जब यहाँ स्थित है और देख कहाँ रहे हैं, बल वाले स्थान को, तीसरे स्थान के ऊपर दृष्टि है, तो तीसरे स्थान के ऊपर दृष्टि है तब क्या होगा? कुटुंबों का लाभ अच्छा मचाएंगे, यहाँ से नौकर चाकर का लाभ, जितने भी छोटे भाई बहन होंगे सबके साथ बहुत प्रेम से मिलना जुलना होगा, किसी के साथ बिगाड़ नहीं होगा जल्दी। तो हमारा कहना है कि छोटे भाई के साथ साथ, भाई बहन के साथ साथ, अपने जो छोटे कर्मचारी लोग हैं उनके साथ भी आपका अच्छा व्यवहार होगा। छोटी मोटी यात्रा करके हमेशा प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि तीसरे से छोटी मोटी यात्रा भी देखते हैं। चंद्रमा की दृष्टि अगर तीसरे स्थान में है तो खेल कूद के साथ साथ कला से भी प्रेम होगा, और अन्य ग्रहों का सहयोग हो तो आप खिलाड़ी या कलाकार भी हो सकते हैं। तो ये तो हो गया, नवम स्थान में चंद्रमा अगर स्थित हो तो क्या फल होगा? यहाँ शुभ हो या अशुभ हो, फल यही मिलना है। अब कहेंगे सर अशुभ फल होगा तो अशुभ दृष्टि नहीं कहेंगे। चंद्रमा और बुध के लिए थोड़ा सा हम लोग भी लिबरल होकर के चलें तो ज़्यादा अच्छा है। अब चंद्रमा यदि दशम स्थान में हो, जहां तक टिक लगा दिया समझिए वहां तक मैंने पढ़ा दिया, चंद्रमा दशम में है, तब कौन कौन दशम में है और किस किस स्थान को चंद्रमा का फल चाहिए? जातक को तो हर एक ग्रह का फल चाहिए, उसी तरह से चंद्रमा का भी फल चाहिए। अष्टम घर का स्वामी है तो इसका भार लेकर के ये चल ही रहे हैं। काल पुरुष में ये चतुर्थ का स्वामी है तो इसका भी गुण उनके उनके ऊपर है कि भाई चतुर्थ को भी ध्यान रखना, इसका भी कुछ कार्य करना है। तब वर्तमान समय में जब यहाँ स्थित हैं तो अपने ही घर को देख रहे हैं,
काल पुरुष में इसी स्थान का स्वामित्व और फिक्स सिग्निफिकेटर भी इसी स्थान के हैं। अब सब स्थान से इनकी स्थिति को देख लीजिए, तो लग्न से दशम है, चतुर्थ से सप्तम है, अष्टम से तीसरे हैं, कहीं से छः आठ बारह नहीं है। दशम में चंद्रमा है तो जातक अपने कार्य के क्षेत्र में लगा रहेगा, निरंतर कार्य करता रहेगा। हो सकता है कि टूर ट्रेवल का जॉब हो, टूर ट्रेवल का मतलब हमेशा कहीं ना कहीं आना जाना पड़े, ऐसे जातक जॉब को बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित करते हैं। अगर प्राइवेट नौकरी में हो तो दो तीन साल चार साल में जॉब में परिवर्तन ले आते हैं, क्योंकि तरक्की पसंद होते हैं। तो इसीलिए और हमेशा चूंकि काम करना चाहते हैं, तो अब एक काम को सीख लिया, उसमें बहुत अच्छा कर लिया, तो अगले काम की ओर जाना है, हमको प्रमोशन चाहिए, दूसरा काम चाहिए, दूसरा काम करने में फिर दिल लगाएंगे। तो ऐसे जातक कई प्रकार के कार्यों को करने वाले हो सकते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में सबको प्रसन्न रखने वाले भी होंगे, क्योंकि हास्य व्यंग के लिए भी चंद्रमा को देखा जाता है। इस स्थान से जब चतुर्थ को देखते हैं तो माता को सुख देने वाला या माता से सुख प्राप्त करने वाला, मातृभूमि से सुख प्राप्त करने वाला, भूमि भवन वाहन मकान आदि का सुख प्राप्त करने वाला। तो जिस स्थान को देखेगा अगर अशुभ होगा तो भी इनको ये जीवन में प्राप्त होगा। अब क्या होगा कि थोड़ा कम और थोड़ा अधिक, तो वो तो अन्य ग्रहों के प्रभाव से भी समझना होगा आपको। तो चलिए, दशम में स्थित होकर के आप लोगों के समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोगों को चंद्रमा का फल कहना है। और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और वर्तमान समय में अगर कर्म नहीं करते हैं, अगर सिर्फ सोचते हैं कि हमको प्रधानमंत्री नौकरी दिला दे, तो ये बड़ी विडंबना है। एक तरफ हम देखते हैं कि बेरोजगारों की फौज खड़ी है और एक तरफ काम करने वालों को काम करने वाला नहीं मिलता, काम कराने वाले को काम करने वाला नहीं मिलता। तो ऐसे जातक को ये हेजिटेशन भी नहीं होगा कि हम किस प्रकार के काम कर रहे हैं, छोटे काम हो बड़े काम हो, हर काम कार्य को अपने मन से करेंगे, पूरा दिल लगा करके करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा यदि एकादश स्थान में हो तो क्या फल होगा? तो एकादश स्थान के लिए तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम होगा कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। लग्नेश और चंद्रमा यदि एकादश में हो तो जातक ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, और ये किसी के लिए शुभ नहीं कहा गया। कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जातक को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। तो इससे बचेंगे। उसके बाद तो समझ लीजिए कि जब कभी भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा लगे तो वहाँ स्वाभाविक रूप से वृद्धि जीवन में संभव है। अब ये सारे नियम लगा करके देख सकते हैं, शुभ अशुभ है, काल पुरुष में चतुर्थ का स्वामी है, वर्तमान पत्रिका में आठवें का स्वामी है, तो क्या चोट चपेट दुर्घटना देगा? नहीं, ये कभी कारक नहीं बनेगा आपके चोट चपेट दुर्घटना के लिए, क्योंकि इसको अष्टम के स्वामी होने का दोष लगता ही नहीं। अन्य किसी कारण से लोग चंद्रमा की दशाओं में भी यदि कोई घटना घटती है तो देख लीजिए आगे प्रत्यंतर दशा में कौन आया, सूक्ष्म दशा प्राण दशा में कौन आया, किसका गोचर ऐसा है जो बिगड़ जाने के कारण हमको चोट चपेट लग गया। चंद्रमा अपनी दशाओं में भी यहाँ चोट चपेट नहीं देगा। अचानक से धन का प्राप्त होना, अचानक से किसी शोध कार्य में लग जाना, क्योंकि यहाँ से शोध कार्य को भी देखा जाता है, वो गुण भी धारण करेंगे। अब यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर है तो हायर एजुकेशन लेने वाले बहुत ही विवेकी होंगे, लेकिन इमोशनल होंगे, क्योंकि चंद्रमा को इमोशन के लिए भी जाना जाता है, ये भावुक जातक होंगे। पढ़ाई लिखाई अच्छी करेंगे और जिसके साथ प्रेम करेंगे, अटूट प्रेम करेंगे, चाहेंगे कि हमारा प्रेम न टूटे, और जिस भी विषय को पढ़ेंगे चाहेंगे कि उस विषय को हम पूरा कर लें, कंप्लीट कर लें।
आधे रास्ते में न छोड़ें। संतान के प्रति विशेष सजग होंगे। संतान के प्रति अर्थात इस स्थान को देख रहा है, संतान पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, संतान को आगे क्या करना चाहिए, किस तरह से उसको अपना जीवन बनाना है, इस विषय पे विशेष चिंता करेंगे। चलिए, चंद्रमा यदि 12वें स्थान में हो तो क्या फल होगा, अब इस बात को समझ लेते हैं। लग्न से लेकर के हम लोगों ने देखा और हमेशा हम विशेष शुभ मान करके ही चलते हैं, नहीं तो दो ही शुभ ग्रह शुक्र और गुरु से आप कितना अच्छा परिणाम ले लेंगे, इसलिए चंद्रमा को भी शुभ मानिए। एक तो द्वादश स्थान में चंद्रमा है, ये ठीक नहीं है, ये लग्न से 12वां हो जाता है, तो क्या इसको विपरीत राजयोग बोल दें, आपकी मर्जी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कि आप विपरीत राजयोग भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे जातक को कितना भी कुछ समझा लें आप, अपने मन के ऊपर जो है इनको काबू नहीं होता और हमेशा व्यथित होते हैं, मन से व्यर्थ में चिंता करने वाले होते हैं, हमेशा आशंका से आशंकित होते हैं, ये हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा क्या, ऐसा हो जाएगा क्या, वैसा हो जाएगा क्या, थोड़ा सा भी गलत कार्य हो जाएगा तो कोई जान जाएगा क्या, कोई परेशानी आ जाएगी क्या, तो इस प्रकार से मन में चिंता होती है। और चूंकि जो लग्न से सही होगा वो चंद्रमा से गलत हो जाएगा गोचर में, ये भी एक परेशानी होती है, इसलिए लग्न से दूसरे और 12वें में जब चंद्रमा स्थित हो तो सामान्य तरीके से गोचर को नहीं देखना है, विशेष तरीके से गोचर को देखना है और तब किसी को बताना है। अब चंद्रमा वहाँ है और यहाँ से अपने अष्टम स्थान को क्षमा चाहेंगे छठे स्थान को देख रहा है, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि चंद्रमा नीच का है इसीलिए व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कहेंगे, द्वादश में है इसलिए कह रहे हैं, बाकी के रिजल्ट अच्छे होंगे लेकिन चिंता फिर भी करते रहेंगे। अब छठे को देख रहे हैं तो यहाँ ये एग्जॉल्टेड है, वृष राशि में एग्जॉल्टेड होता है अर्थात उच्च का होता है चंद्रमा, तो उच्च दृष्टि रखते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं उच्च दृष्टि नीच दृष्टि को भूल जाइए, यहाँ यदि रहेंगे तो इनके दृष्टि से रोग ऋण और शत्रु ये दोनों तीनों जागृत होते रहेंगे, लेकिन चंद्रमा के पास इतना सामंजस्य बनाने का क्षमता है कि सबके साथ सामंजस्य बना करके अपने जीवन को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। तो ये हो गया लग्न से लेकर के 12वें तक चंद्रमा का पाठ, और हम उम्मीद करते हैं कि ये भावाश्रय फल है, आप लोग जानते ही हैं, और ये भावाश्रय फल लग्नानुसार हमने प्रयास किया आप लोगों को देने का, और हमको उम्मीद है कि इसका फल जब हम लोग देखेंगे आगे विशेष अध्ययन में जाएंगे तो आपको कितना लाभ मिलेगा, और हम तो इस पे पाठ देते ही रहेंगे, लेकिन यदि आपको लगता है कि हमको जल्दी सीख जाना चाहिए तो आप हमारे रेगुलर क्लास जो पेड क्लास होता है उसमें आ सकते हैं, तो अभी आप लोगों के लिए तो वीडियो उपलब्ध है ही, और यहीं देख करके संतुष्ट होकर के आएंगे, हमारे यहाँ कोई डेमो क्लास नहीं दिया जाता, जो भी आते हैं वो सीधे नामांकन कराते हैं और आते हैं, और आप बड़ी प्रसन्नता होती है, ऐसे लोग भी बहुत आते हैं जिनको अपना 15 साल 20 साल का अनुभव ले रखे हैं, क्योंकि उन्होंने जो सीखा वो क्या सीखा और कैसे सीखा ये किसी ने बताया नहीं कि इसको कहाँ जा करके देखना चाहिए, और हम हमेशा आपको रेफरेंस देते रहते हैं कि यहाँ जा करके देखिए, और आधे घंटे यदि स्वाध्याय में लगा देंगे तो बहुत अच्छे ज्योतिष बनेंगे, अपना भी भला करेंगे, और हमारा संवाद सुनकर यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप औरों का भी भला जरूर करेंगे। आज इतना ही, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।